हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कुलदीप और आप देख रहे हैं ईकेजी एजुकेशन नॉलेज ग्रुप। टेक हाई टेक के पांचवें एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं लेकर आया हूं आपके लिए बहुत ही कमाल की टेक न्यूज़। तो इससे पहले वीडियो को स्टार्ट करें, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके दबाएँ उस बेल आइकन को लेटेस्ट नॉलेज वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो हमारी पहली टेक न्यूज़ है वो ये है कि फ्लिपकार्ट ने लॉन्च किया वीडियो स्ट्रीमिंग सुविधा। जी हाँ, अभी तक आपको अमेज़ॉन नेटफ्लिक्स पर ही आपको सुविधा मिलती थी, लेकिन अब ये सुविधा आपको फ्लिपकार्ट पर भी मिलने वाली है, क्योंकि फ्लिपकार्ट ने एंड्रॉयड यूज़र्स के लिए ये सुविधा स्टार्ट कर दी है और आप इसे उसके नए वर्जन 6.17 को इंस्टॉल करके यूज़ कर सकते हैं। और इसमें तीन ऑप्शन हैं, एक ऑल का, एक मूवीज़ का और एक शोज़ का, तीन ही ऑप्शन दिए गए हैं। हालांकि आपको अमेज़ॉन पर रुपया देकर मतलब सब्सक्रिप्शन ऑफर्स के हिसाब से वीडियो देखने को मिलती थी, लेकिन फ्लिपकार्ट जो है एड बेस्ड ये चला रहा है वीडियो स्ट्रीमिंग सेवा, क्योंकि उनका कहना है उसके मालिक का कि अभी हमारे 15 करोड़ यूज़र्स हैं और इसे हम 35 करोड़ तक ले जाना चाहते हैं। दूसरी हमारी टेक न्यूज़ है वो ये है कि मोटरोला का वन एक्शन मोबाइल भारत में 23 अगस्त को लॉन्च होने वाला है। जी हाँ, और इसकी पहली सेल जो है वो कॉमर्शियल वेबसाइट यानी कि फ्लिपकार्ट पर आपको मिल जाएगी। आप वहाँ से इसको परचेस कर सकते हैं। और इसके कमाल की जो बात है वो ये है कि इसमें तीन कैमरे दिए गए हैं, जिसमें से एक 12 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर है और 5 मेगापिक्सल का सेकेंडरी डेप्थ सेंसर है और 16 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा है। और इसके अगर मेन फीचर्स की बात करें तो मेन फीचर्स ये है कि इसका 117 डिग्री का वाइड एक्शन कैमरा है, यानी कि आप इसको अपने फ़ोन को सीधा पकड़ करके भी लैंडस्केप फॉर्मेट में फ़ोटो खींच सकते हैं। इसके डिस्प्ले की बात करें तो इसकी डिस्प्ले 6.3 इंच की डिस्प्ले है, इससे ज़्यादा की भी हो सकती है। और इसके अगर हम रैम की बात करें तो 4 GB रैम और 128 GB इनबिल्ड स्टोरेज है, जिसे आप मेमोरी लगा करके बढ़ा भी सकते हैं। जो हमारी तीसरी टेक न्यूज़ है वो ये है कि Mi E3 ने अपना जो मोबाइल है लॉन्च किया है और 13,000 में लॉन्च किया है, जिसमें कि आपको कई फीचर्स देखने को मिल सकते हैं। ट्रिपल कैमरे के साथ में है और इसमें 4 GB रैम और 64 GB स्टोरेज है, जिसे आप बढ़ा भी सकते हैं। और अगर आपको 6 GB रैम और 128 GB स्टोरेज चाहिए तो उसके लिए आपको देने पड़ेंगे 16,000 रुपये। ट्रिपल कैमरे हैं, जिसमें से एक 48 मेगापिक्सल का और एक 8 मेगापिक्सल का और एक 2 मेगापिक्सल का है। अगर हम इसके फ्रंट कैमरे की बात करें तो फ्रंट कैमरा 32 मेगापिक्सल का है। और अगर हम इसके बैटरी की बात करें तो बैटरी 4030 mAh की है। और सबसे कमाल की बात यह है कि ये फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ भी है, यानी कि ट्रिपल कैमरा और फिंगरप्रिंट सेंसर भी है साथ में। तो बहुत ही अच्छा कमाल का फ़ोन है Mi A3 यानी कि 13,000 में। जो हमारी चौथी टेक न्यूज़ है वो ये है कि वीवो अपने नए यू सीरीज़ में जल्द ही 6 स्मार्टफोन लॉन्च कर सकता है, जिनकी कीमत 10 से 20 हज़ार के बीच में बताई जा रही है। अभी इसके फ़ीचर्स की बात नहीं पता चली है कि आखिर इसके फ़ीचर्स कैसे होंगे, लेकिन अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि वाटर ड्रॉप नॉच फीचर्स के साथ लॉन्च करने वाला है। अगर हम बात करें कि इसका लॉन्च कब होगा तो उम्मीद यही लगाई जा रही है कि इस फेस्टिव सीज़न में, यानी कि इधर दीपावली वगैरह में लॉन्च कर सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसे रियलमी, शाओमी और ओप्पो जैसी बड़ी कंपनियों को भी चुनौती मिलने वाली है। इससे पहले जेड सीरीज़ में लॉन्च किया था, जिसमें कि 5000 mAh की बैटरी थी, ट्रिपल रियर कैमरे थे। यानी कि अगर हम देखें तो इस बीच में जितने भी नए स्मार्टफोन आ रहे हैं सब में ट्रिपल कैमरे का बहुत ही ज़्यादा फैशन चल गया है, यानी कि सभी फ़ोन इसी उसमें लगे हैं कि ट्रिपल कैमरे के साथ दिया जाए। और शायद ये जो यू सीरीज़ है ये भी ट्रिपल कैमरे के साथ आ सकती है। हमारी आखिरी और कमाल की जो टेक न्यूज़ है वो ये है कि चंद्रयान 2 चंद्रमा की कक्षा में पहुंच चुका है और ये कल सुबह यानी कि 20 अगस्त को 9:02 पर हुआ और 1 बजे चंद्रयान ने अपनी पहली कक्षा भी पार कर ली चंद्रमा की, और 28 अगस्त को दूसरी कक्षा पार करेगा। उसके बाद फिर 30 अगस्त को तीसरी कक्षा, 1 सितंबर को ये पार करेगा चौथी कक्षा, उसके बाद फिर 2 सितंबर को विक्रम लैंडर ऑर्बिटर से अलग हो जाएगा, फिर 3 सितंबर को 3 सेकंड के लिए यान का स्थान बदलेगा
और उसके बाद फिर 7 सितंबर को चंद्रमा की सतह पर चंद्रयान 2 की सॉफ्ट लैंडिंग, और उसके बाद फिर ये अपने काम में लग जाएगा। अगर हम बात करें तो ये अभी भी चंद्रमा की सतह से 18,000 किलोमीटर दूर है, और इसकी जो चुनौती भरी पूर्ण समय होगा वो सबसे आखिरी समय में होगा, क्योंकि तब चंद्रयान 2 को सॉफ्ट लैंडिंग देना है, वो भी चंद्रमा की सतह पर, स्पीड बहुत ही कम करके। तो कैसा रहेगा इसका सफ़र, कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आए होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।